अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सम्मू और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सम्मू के व्लॉग्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि मैं पूरे भारत की यात्रा करता हूं और मैं आपको भारत के हर एक स्थान को दिखाता हूं, हर एक चीज़ों को दिखाता हूं, तो मैं आज सोचा कि चलो मैं आपको अपना एक मदरसा दिखाता हूं जो कि मेरे गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और कैसे बच्चे पढ़ते हैं और क्या क्या है अवेलेबल है, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। और चलते हैं, तो चलिए गाइस हमारे साथ आप बने रहिए। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको एक बड़ा सा आंगन दिखेगा। यहाँ पर काम चल रहा है, खनजे वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार भी चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप इस मदरसे के अंदर इंटर करेंगे तो आपको ये ब्लैक बोर्ड दिखेगा जहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश पढ़ाया जाता है और यहाँ पर मैथ्स वगैरह भी पढ़ाया जाता है। और चलिए देखते हैं कि क्लासरूम कैसा है, अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए गाइस, पहले आपको क्लासरूम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए, ये है हाल, ये है हजरत का पर्सनल रूम जहाँ पर मेहमान वगैरह यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पर बातचीत वगैरह होती है। ये आप देख सकते हैं गाइस। और चलिए आपको क्लासरूम दिखाते हैं, क्लासरूम कैसा है, देखते हैं मदरसा कैसा होता है, अंदर से कैसा दिखता है और कैसे पढ़ाया जाता होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है ये क्लासरूम, अंदर आइए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल भी दिखाइए, इधर दिखाइए। ये हॉस्टल गाइस, ये देखिए, यहाँ पर जो लोग पढ़ने आते हैं बच्चे, वो यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और ये बिल्कुल फ्री में है और आपको एक भी पैसा रुपया चार्ज नहीं करना होगा। बस आप आधार कार्ड वगैरह लेकर आइए और आपकी एज कम से कम 12 साल होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप बाहर से पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बस फ्री में आपका रहना खाना हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं खर्च होगा। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आप आइए आराम से, आपका स्वागत है। और मैं फ़ैन चालू कर देता हूँ कुछ, ये देखिए लाइट चालू हो गई और पंखा भी चालू हो गया। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खाली जगह है और कोई शोर शराबा नहीं है, देखिए कितना साफ सुथरा जगह है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 रूम दिया गया है जिसमें करीब 50 से 60 बच्चे रहते हैं। और इस वक्त कोरोना की वजह से लोग बच्चे चले गए हैं, बाकी यहाँ पर और भी ज़्यादा बच्चे रहते थे, हालांकि यहाँ पर अभी 20-30 बच्चे होंगे और बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कम से कम 200 बच्चे हैं। वैसे ये जो मदरसा है वो बहुत ही ज़्यादा रंगीन है, बढ़िया आराम से हर कुछ है, पेंटिंग वगैरह भी है। ये देखिए, यहाँ पर डेकोरेशन इसका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। और दोस्तों, जैसे आप इस क्लासरूम के बाहर आएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये है पानी पीने का साधन, ये यहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पानी पीने के लिए पानी, ठंडा पानी है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, वजू करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है टोटी वाला नल, यहाँ पर आप वजू वगैरह बना सकते हैं। और इधर है, ये यहाँ पर है शौचालय बनाया हुआ इन लोगों ने। और इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर रसोई घर कैसा है। ये देखिए, अभी हम आ गए हैं रसोई घर में और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का रसोई घर कैसा है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना बनाया जाता है, ये इतना बड़ा चूल्हा है, यहीं पर बनाया जाता है। मतलब कितने बच्चों का खाना बनता है यहाँ पर? 200 आदमी का। 200 आदमी खाना बन जाता है? 200 बच्चों का बनता है। और खाने में क्या क्या दिया जाता है? खाने में बदले करके रोज़ का रोज, आज दाल चावल सब्जी रोटी है तो कल गोश्त मछली है, ऐसे बदले करके रोज बदले करते करते बनाया। हाँ, रोज़। यानी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। कि मतलब बस ऐसे ही खिचड़ी वगैरह? कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना खाने पीने में? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। और पैसा कुछ नहीं रहता? नहीं नहीं, एक पैसा नहीं। नहीं, खाना कौन बनाता है? खाना बावर्ची बनाता है। बावर्ची कितने लोग बनाते हैं? दो लोग बनाते हैं बावर्ची। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लोग बनाते हैं। और ये देख सकते हैं, यहाँ पर इतना सारा बर्तन रखा हुआ है, ये चम्मच है, ये है पतरी वगैरह रखा हुआ है। और आपको और भी दिखाते हैं, ये क्या है? अच्छा, राशन है। देखिए, यहाँ पर राशन इतना भरा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शांति है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। शाम का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम सुहाना है और शोर शराबा यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा बच्चे भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी नया साल लगा हुआ है तो अभी बच्चे एडमिशन कराएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, तो अभी बच्चे नहीं हैं और पढ़ाई वगैरह चल रही है और थोड़ा सा काम चल रहा है आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम छत पर आ गए हैं और छत से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये मदरसा कैसा है। और ऊपर बन रहा है कुछ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर क्या बन रहा है। इधर दिखाओ, जल्दी आओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, बट अभी फ़िलहाल रुका हुआ है काम।
और यहाँ पर कितने रूम हैं, 1, 2, 3, 4 चार इधर हैं और चार इधर हैं, यानी कि यहाँ पर 8 रूमों का निर्माण हो रहा है, 8 कमरे का निर्माण हो रहा है। और काफ़ी अच्छा है यार, हमारे इस एरिया में सबसे बड़ा मदरसा यही है। ये हम हैं छत पर और आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, कितना सुहावना मस्त लग रहा है यार गाइस। ये देखिए, ये है फ्रंट वाला गेट, ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रंट वाला गेट जहाँ से हम एंट्री करेंगे। और ये देखिए, अभी जब भी बन जाएगा खांजा तो कितना कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे से लगाए गए हैं ताकि आपको अच्छा मिले और हरियाली वगैरह रहे। ये देखिए, ये है टावर, तो ये है हमारा गांव जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गाँव में खेत वगैरह ज़्यादा होते हैं, ये देखिए हम एकदम गाँव में रहते हैं प्रॉपर, तो ये देखिए गाँव की हरियाली कैसी होती है। ये देखिए पूरा एकदम जो भी है सारे के सारे खेत हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? सैयद गुलाम गौस मोहम्मद मियाँ कादरी जी। तो आप इस मदरसे के बारे में कुछ बताइए। ये मदरसा जो है इसलिए कायम किया गया कि बच्चों के उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा था, उनकी भविष्य ख़राब हो रही थी, इसलिए इदारा हमने बनाया। और जल्दी बताइए कि ये सरकारी है या प्राइवेट है? नहीं, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से प्राइवेट है। हाँ, नहीं नहीं, गवर्नमेंट का कोई अनुदान नहीं है, गवर्नमेंट से न कोई मदद है न कोई ताउन है। ये प्राइवेट मदरसा है, किसका है ये मदरसा? पूरी कौम का है, पूरी कौम के लिए मैंने बनाया है। आपने ही बनाया? हाँ, मैंने ही बनाया। आप ही संस्थापक हैं यहाँ के? जी 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 जी, मैं ही। तो ये बताइए कि ये मदरसा कब से है, मतलब कितना साल हो गया? जी जी, ये मदरसा तकरीबन जो है 7-8 साल हो गए हम। 7-8 साल? जी जी। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ तकरीबन 100 बच्चों का हॉस्टल है, 100 बच्चे रहते हैं यहाँ, 100 बच्चे रह करके खा पी करके उनका पूरा इंतज़ाम है मदरसे की तरफ से, मदरसे की तरफ से पूरा इंतज़ाम मैंने कर रखा है। यानी कि यहाँ पर हॉस्टल रहने की सुविधा है और बिल्कुल फ्री में और खाना वगैरह? जी जी, खाना वगैरह का भी बाकुल इंतजाम है, बिल्कुल घर की तरह। बिना पैसों के? बिना पैसे, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। और पढ़ने का फीस भी कोई नहीं? कोई फीस नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क है। और कोई एडमिशन लेना चाहे कैसे ले सकता है? बस एडमिशन के लिए कैद है कि बच्चा जो है इस लायक हो कि मदरसे में रह करके वो अपना देखभाल कर सके, नहा धो सके, कपड़ा लत्ता साफ़ कर सके। आई होप गाइज मैंने आपको मदरसा अच्छे तरीके से दिखाया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और नई नई वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।